थाना हल्द्वार के अंतर्गत ग्राम फजलपुर ढाकी में एक मकान स्वामी की अनुपस्थिति में चोरों ने उसके घर के ताले तोड़कर घर में रखे सोने चांदी के जेवरात 1 लाख रुपए सहित लगभग 4 लाख रुपए की चोरी कर ली। ग्राम फजलपुर ढाकी मोहम्मद महबूब पुत्र मोहम्मद याकूब जो कि एक रिटायर्ड शिक्षक है, उन्होंने बताया कि अपनी बीमारी का इलाज कराने हेतु घर का ताला लगाकर सह परिवार दिल्ली गए हुए थे। जब वे कुछ दिनों बाद अपना उपचार कराने के बाद अपने घर लौटे तो उन्होंने घर के ताले टूटे पाए। अंदर जाके देखा तो रसोई में 2 गैस सिलेंडर बर्तन तथा 95,350 रुपए की नकदी तथा सोने चांदी के जेवरात गायब मिले। मकान स्वामी ने घर में करीब 4 लाख रुपए की चोरी होने का अनुमान बताया है। न्यूज फ्रीडम के लिए बिजनौर से सलीम हाशमी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मोहम्मद महबूब। क्या पूरा मामला है? भैया मामला ये है कि मैं दिल्ली गया था जी, वहाँ जाके मैं बीमार हो गया। बीमार होने के बाद मुझे अपने पेट का ऑपरेशन कराना पड़ा जी। उस ऑपरेशन कराने मुझे टाइम लग गया, जो 15 दिन हो गए ऑपरेशन हुआ। 16वां दिन है, 23 तारीख में मेरा ऑपरेशन हुआ हुआ जी, दिल्ली अल्सीपा में। उसके बाद जब तबीयत ठीक हुई, जब मैंने आके देखा तो आके देखा जैसे दरवाजे में ताले खोल के इधर से मैं घुसा सड़क की तरफ से, ये मेरा मेन गेट है जी, मेन गेट से घुसा तो सबसे पहले देखा इन्वर्टर नहीं, मेरे कहाँ गया होगा। तो इन्वर्टर और 2 बैटरी उस जगह पर रखे हुए थे वो साफ। उसके बाद आगे बढ़ा, आगे बढ़ के पहले देखा किचन, उसमें सिलेंडर और छोटे मोटे सामान वो गायब। उसके बाद आगे बढ़ा, डाइनिंग रूम था उसमें एक सेफ रखी हुई थी, इसमें बहुत मजबूत सेफ थी, लॉकर था, उस सब को तोड़ के उसमें से बहुत सामान गया था। उसमें ये समझो ये 95,350 रुपये तो मस्जिद के रखे हुए थे, तो मस्जिद का मुतवल्ली हूँ, उसमें काम चलना था इसलिए वो कैश रखा हुआ था। इसके अलावा उसमें जेवर भी काफ़ी हद तक उसमें जेवर था हमारा।